बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली भोपाल सीट पर इस बार कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है, जिसके बाद से बीजेपी दिग्विजय के सामने मजबूत उम्मीदवार को मैदान में भेजने की तैयारी है। बीजेपी उम्मीदवारों के नामों को लेकर कई बड़े नेताओं के नाम अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह का नाम भी शामिल है। इन जारी अफवाहों के बीच अपनी उम्मीदवारी को लेकर शनिवार को मीडिया से चर्चा के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एक दो दिन में भोपाल से उम्मीदवार का नाम तय हो जाएगा। शिवराज के भोपाल से चुनाव लड़ने के सवाल पर शिवराज ने कहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूं, पार्टी जो फैसला करेगी स्वीकार है। आपने कहा था सस्पेंस खत्म हो जाएगा, जल्दी हो रहा है, आज आज हो जाएगा सर, आज खत्म हो जाएगा, एक दो दिन में हो जाएगा सर। मध्य प्रदेश सर, भोपाल सर, भोपाल से आपका नाम सर फाइनल? नहीं, मेरा नाम फाइनल सर, मैंने पहले ही कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूं जी, पार्टी फिर जो फैसला करेगी स्वीकार है, पार्टी सब चीजें देख के जल्दी। सर उमा जी का स्वागत है, सर उमा जी का स्वागत है, सबका स्वागत है। देखिए पार्टी तय करेगी, हम सब एक